अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। इकोनॉमिक्स का फीडबैक हमारे सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मॉनेटरी मेजरमेंट्स, इसमें से जो है वो ऑप्शन आपने चूज़ करनी थी, राइज इन करेंसी रिलेटिव टू द करेंसी टू द अदर करेंसीज कॉल्ड 20% ऑफ द बैंक ऑन एक्सेस रिजर्व द बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी 60 मिलियन टू द सेंट्रल बैंक वुड बी, ये ऑप्शन आपने बतानी थी। इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई में तो 6 से 7 आए हुए थे, मोनोपोली में से क्वेश्चन आया हुआ था, जे कर्व में से आया हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से आया हुआ था, फिस्कल पॉलिसी में से आया हुआ था, और इसके अलावा जो है मिक्सड इकॉनमी के 4 से 5 और कैपिटलिज्म से जो है वो 4 से 5 थे, सॉल्व करने वाले 4 से 5 क्वेश्चन थे, सेंट्रल बैंक और क्रेडिट क्रिएशन से आया हुआ था, फर्स्ट चैप्टर में से माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में से आया हुआ था, थर्ड चैप्टर में से जो है वो इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा जो है आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में से आया हुआ था, फिस्कल पॉलिसी में, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में, और आपको जो है मिक्स इकॉनमी, मार्केट इकॉनमी, प्लान्ड इकॉनमी इससे आया हुआ था, लिमिटेशन ऑफ एक्सेलरेटर उसमें से जो है वो आया हुआ था, और ये कुछ एमसीक्यूज जो है उस टाइम आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, ये आए हुए थे। इफ़ द गवर्नमेंट वांट टू स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउज इंक्रीज करती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो डिक्रीज करता है या क्या करता है, ये जो है वो ऑप्शन आपने जो है वो बतानी थी। इसके अलावा एग्रीगेट डिमांड इज़ 120, द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज़ 70, जीएस इज़ 30, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज़ 30, इंपोर्ट इज़ 35, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आपने जो है वो फाइंड आउट करनी थी। कल वाले पेपर में भी जो है ये एमसीक्यूज आया हुआ था। डिमांड इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक एंड सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक, देन द कंज्यूमर के ऊपर क्या इफेक्ट है वो जो है ऑप्शन आपने बतानी थी। डिमांड फॉर कैपिटल गुड इज़ डैश, उसमें जो है वो आपने बताना था, और उसके अलावा ड्यूरिंग रिसेशन व्हिच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, क्या चीज़ जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है, इस हवाले से जो है वो आपने गाइड करना था। मल्टीप्लायर इफेक्ट रिड्यूस्ड ड्यू टू हाई एमपीएस या लो प्रोपेंसिटी, आई थिंक सो ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है एनएनपी इज़ इक्वल टू, ये आपने बताना था, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन है या जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनकम है, इस हवाले से जो है वो आपको एमसीक्यू आया था। डिमांड ऑफ गुड इंक्रीजेज ड्यू टू प्राइस इंक्रीजेज, इसके हवाले से आपने जो है वो बताना था। इफ़ CRR इज़ 10%, उसके अलावा जो है वो डिपॉजिट इज़ 100 मिलियन, देन द क्रेडिट क्रिएशन इज़ 80 मिलियन, ये ट्रू है या फॉल है, ये आपने बताना था। मोनोपोली एक्सपैंड के हवाले से जो है वो आपने MCQs जो है वो बताना था। इसके अलावा कुछ डायग्राम्स थी जो प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपके साथ जो है वो PDF शेयर किया था, उसको आप अच्छे तरीके से देख लें, वो जो है रिपीट हो रहा है, वो आज वाले पेपर में भी जो है वो आई हुई थी। इसके अलावा कुछ ये क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें से ऑप्शन में से आपने जो है वो आंसर सेलेक्ट करना था। एवरेज वैल्यू कॉस्ट इज़ यू शेप बिकॉज, वो आपने जो है वो चूज़ करना था। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो जो है वो आपने यहाँ से चूज़ करना। सपोज मनी डिमांड हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, विल मनी सप्लाई इज़ वर्टिकल, इस हवाले से जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स थी, उन फिलिंग द ब्लैंक्स में जो नीचे ऑप्शन थी उन ऑप्शन को आपने यहाँ पर जो है वो चूज़ करना था। फ्री मार्केट के 2 एडवांटेजेस बेनिफिट सेलेक्ट करने थे। इसके अलावा रियल जीडीपी से जो है वो ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए थे। डिमांड और सप्लाई शुड बी डैश इन लॉन्ग टर्म, इससे आया हुआ था। बॉन्ड वैल्यू विल बी ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ रिजर्व रेट इज़ 20% एंड इन्फ्लेशन डिपॉजिट 100 मिलियन, इट्स मीन दैट क्रेडिट क्रिएशन विल बी 80 मिलियन, ट्रू और फॉल, ये आपने बताना था। रिजर्व रेट इज़ डैश प्रोपोर्शनेट टू अ मनी मल्टीप्लायर, ये आपने बताना था। और इसके अलावा जो है वो फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशन आई हुई थी, टैक्स इंक्रीज करने से मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट होता है, ये आया था आपको। मोनोपोली के बेनिफिट 2 सेलेक्ट करने थे। एग्रीगेट सप्लाई जो है उस हवाले से जो है वो आपसे पूछा गया था। फिर जो है हमें यहाँ पर डैश इन्वेस्टमेंट इज़ Not influenced by the change in the level, ये आपने जो है वो चूज़ करना था। ट्रांसफर पेमेंट एंड इंक्लूड, ये आपने चूज़ करना था। एक और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट विल बी डैश एंड इन्फ्लेशन विल बी डैश, यहाँ पर जो है वो आपने ऑप्शन चूज़ करनी थी। इसके अलावा जो है ये तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको PDF बनाकर अवेलेबल कर दूँ, आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके जो है ये PDF वहाँ से हमसे हासिल कर सकते हैं। अ डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व रिप्रेजेंट डैश रिलेशनशिप विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट या इनवर्स, ये आपने जो है बताना था।
क्वांटिटेटिव सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस, इस हवाले से जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यूज था, इसको जो है वो आपने एक्सप्लेन करना था। उसके अलावा जो है वो टेक्नोलॉजी के हवाले से एक एमसीक्यूज आया था, ट्रू और फॉल, वहाँ से आपने चूज़ करना था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, उस हवाले से आपने जो है वो चूज़ करना था। तो ये तमाम पीडीएफ फाइल इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप व्हाट्सएप नंबर के मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। और यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट ने पिक्चर लेके बुक की भी शेयर की हुई है कि इसमें से जो है एमसीक्यूज आया था इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या डायरेक्ट इन टैक्सेस, किसकी वजह से जो है फिजिकल पॉलिसी में जो है वो आती है चेंजेस, उस हवाले से जो है वो इंक्रीज़ इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, उस हवाले से जो है ये चीज़ें आएंगी थी। उसके बाद जो है यहाँ पर विच ऑफ़ द फॉलोइंग के हवाले से जो है ये ऑप्शन है, मोनोपोलिस्ट है, ओलिगोपी है, इफेक्ट ऑफ मार्केट है, इनमें से आपने जो है वो चूज़ करके बताना हुआ था। एक जो है ये कैश फ्लो में से भी जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था, इसकी भी पिक्चर जो है वो स्टूडेंट ने यहाँ पर शेयर की हुई है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो जो मुतारबा इजरा मुशारका से आया हुआ था, उसकी भी जो क्वेश्चन की पिक्चर जो है स्टूडेंट ने यहाँ पर शेयर की हुई है। इफ़ द प्राइस इंक्रीजेज द सप्लाई विल, सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इस हवाले से जो है वो आया हुआ था। एक ही एमसीक्यूज़ है जो स्टूडेंट ने यहाँ पे भेजा हुआ है कि टीसी दिए हुए थी, एसी जो है वो आपने फाउंड आउट करके रखनी थी। इसके अलावा जो है वो पीपीसी कर कैन बी शिफ्ट आउटवर्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, उस कंडीशन में से कोई ऑप्शन आपने जो है वो चूज़ करनी थी। तो और यहाँ पर जो है वो डिमांड डिक्रीज़ करती है तो इंक्रीज़ क्या चीज़ करती है, उस हवाले से जो है वो आपने से एक्सप्लेन करना था। तो ये कंप्लीट फीडबैक जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ये पीडीएफ फाइल में इंशाल्लाह मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं।